जैसी है इस आईपीएस आयरन लेडी की कहानी। लेडी सिंघम की तरह बदमाशों को तो छोड़िए, उग्रवादियों और नक्सलवादियों पर कहर बरसाती है ये आईपीएस। उग्रवादियों से कई बार ले चुकी है लोहा, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है ये अधिकारी। इस आयरन लेडी से उग्रवादी और नक्सलवादी भागते हैं कोसों दूर। 2006 में पास किया यूपीएससी, चाहती तो आईएएस बनकर आराम की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन चुना असम से उग्रवादियों को मिटाने का रास्ता। आज युवाओं के लिए बनी मिसाल। कौन है संयुक्ता परासर जिसकी दहाड़ से कांप जाती है चोर उचक्कों बदमाशों नक्सलियों और उग्रवादियों की रूह। आप सभी ने सिंघम जैसी फिल्में तो बहुत देखी होंगी। पुलिस वालों पर बनी फिल्म देखना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन किरण बेदी के अलावा आप कितने अन्य महिला आईपीएस अधिकारी के बारे में जानते हैं? आज हम आपके सामने एक ऐसी महिला अधिकारी के बारे में बात करेंगे जो न केवल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है बल्कि उन्हें आसाम की आयरन लेडी भी कहा जाता है। इनसे बदमाश उग्रवादी और नक्सली डरते हैं। हम बात कर रहे हैं असम की जोरहाट एसपी संयुक्ता परासर की, जो एक जांबाज आईपीएस अधिकारी हैं और अब तक कई उग्रवादियों का सामना कर चुकी हैं। असम के लिए उग्रवाद एक बड़ी चुनौती रहा है। संयुक्ता असम की रहने वाली हैं और इसलिए उन्होंने हमेशा से असम की धरती को लाल होते देखा है, इसलिए उन्होंने यूपीएससी की राह चुनी। साल 2006 में संयुक्ता ने यूपीएससी की परीक्षा पास की और उस समय उन्होंने 50वीं रैंक हासिल की थी। संयुक्ता चाहती तो आईएएस चुनकर एक आराम और अच्छी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन असम में फैला उग्रवाद उनके सीने में हमेशा से ही एक फांस की तरह चुभ रहा था और इसलिए उन्होंने आईपीएस बनने का रास्ता चुना। जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई तो उन्हें मेघालय असम कैडर मिला। आईपीएस बनने के बाद संयुक्ता की पहली पोस्टिंग मकुल में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में हुई। वहां उन्होंने उग्रवाद और हिंसा को बखूबी कंट्रोल किया। 2015 में जब संयुक्ता को जोरहाट का एसपी बनाया गया तो उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों को लीड करते हुए बोडो उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने कई उग्रवादियों और नक्सलवादियों का एनकाउंटर किया और कईयों को गिरफ्तार किया। आज अपनी बहादुरी और उग्रवाद का लगाम लगाने के कारण जिस तरीके से संयुक्ता को असम का आयरन लेडी कहा जाता है, वो गर्व करवाने वाला एक क्षण होता है। वे उग्रवादियों और नक्सलवादियों के लिए काल के समान होती हैं, वहीं आम लोगों के लिए वे एक मसीहा भी हैं। उन्होंने जब भी समय मिलता है तो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद भी करती हैं। जो उग्रवाद की फांस उनके सीने में थी, उसी के चलते वे आम लोगों के दर्द को अच्छी तरीके से समझ पाती हैं। आज आईपीएस संयुक्ता परासर असम के युवाओं के लिए मिसाल बन चुकी हैं। असम की आयरन लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी संयुक्ता परासर का जन्म 3 अक्टूबर 1979 को हुआ था। पिता श्री दुलाल चंद्र बरुआ असम के सिंचाई विभाग में इंजीनियर और संयुक्ता की माता मीना देवी एक डॉक्टर है। उनकी स्कूली शिक्षा असम में हुई और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए संयुक्ता ने दिल्ली जाने की ठानी। दिल्ली में संयुक्ता ने राजनीतिक विज्ञान से ग्रेजुएशन किया और जवाहरलाल नेहरू से इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल किया और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति में एमफिल और पीएचडी की। वैसे संयुक्ता परासर को आयरन लेडी कहा जाता है। आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।